हेलो एवरीवन। तो आज हम CBSE क्लास 9th मोमेंट से जो सेकंड चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे, आज हम उसे पढ़ने वाले हैं आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पैट? क्या आपके पास कभी एक छोटा सा बंदर कभी पैट या पालतू पशु के रूप में रहा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। यहाँ जो जिस टोटो की बात चल रही है वो टोटो एक छोटा सा बंदर है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। चलिए पता करते हैं कि वो एक शरारती बंदर है या एक विनम्र बंदर है। तो चलिए। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को एक तांगा चलाने वाले से 5 रुपये में खरीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। जो तांगे वाला था वो उस छोटे से बंदर को बांध के रखता था फीडिंग ट्रो से। अब आपको ये समझना है फीडिंग ट्रो है क्या। आप लोगों ने देखा होगा कि घर के बाहर लोग जानवरों के खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए एक बड़ा सा वो बनवा देते हैं या जिसमें से वो खाना खाते हैं, वो कंक्रीट का वो होता है फीडिंग ट्रो। और जो जानवर था यानी कि जो मंकी था वो वहाँ इतना अजीब सा लगता था, वो लगता ही नहीं था कि वो इस प्लेस को बिलोंग करता है। तो इसीलिए ग्रैंडफादर ने क्या सोचा कि वो उसे यहाँ से ले जाएंगे और अपने प्राइवेट जू में रखेंगे, क्योंकि ग्रैंडफादर को क्या था, जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक था। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। टोटो जो था बहुत सुंदर सा छोटा सा बंदर था, उसकी आंखें चमकती थी और उसमें कहीं ना कहीं एक शरारत भरी रहती थी और उसमें नीचे आंखों के ऊपर जो आईब्रोज थी एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट और उसके दांत एकदम मोती की तरह सफ़ेद चमकते थे वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल और जब भी वो स्माइल करता था तो वो दांत दिखाई देते थे। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ और वो हमेशा डरा देता था जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं उन्हें। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो उसके हाथ थे वो इतने सूखे सूखे से लगते थे जैसे कि अचार होता है ना, अचार को सुखा दिया जाता है, तो उसके हाथ जो थे वो बड़े सूखे सूखे से मुरझाए हुए लगते थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकिड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। लेकिन जो उसकी जो वो फिंगर्स जो कि बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी लगती थी, बहुत जल्दी काम करती थी और विकेड का मतलब दुष्ट थी, मतलब जब भी वो शरारत करता था उन उंगलियों से। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स और जो उसका जो पूंछ थी वो उसके गुड लुक्स को और ज़्यादा अच्छा बनाती थी। ग्रैंड फादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स। और ग्रैंड फादर क्या मानते थे, ये मानते थे कि उसकी जो पूंछ होने से उसका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा हो गया या किसी की पूंछ होने से उसका जो सुंदरपन है वो बढ़ जाता है। ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड और वो मानते थे कि ये एक तीसरे हैंड की तरह, तीसरे हाथ की तरह काम करता है। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इस टेल का यूज़ कर सकता था किसी ब्रांच से लटकने के लिए। एंड इट वॉज़ कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और कभी कभी कोई चीज़ जिसे वो पकड़ना चाहता था जो उसके हाथों से दूर है, मतलब कभी कभी होता हाथ वो बढ़ाता था लेकिन वो नहीं ले पाता था, तो उस चीज़ को वो पकड़ लेता था किससे, अपनी पूंछ से। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन द ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब भी दादाजी कोई नया जानवर घर पे लाते थे या नया बर्ड पक्षी घर पे लाते थे तो ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी कैप्ट इन अ सीक्रेट रूम फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि भाई जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जाता तब तक टोटो को छुपा के रखा जाएगा। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल। ग्रैंड फादर दादाजी ने और मैंने उस छोटे से मंकी को छुपा के रख दिया मेरी अलमारी में जो कि खुलती थी मेरे बेडरूम वॉल में। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली और हमने उसे बांध दिया और सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन इन टू द वॉल।
और हमने वॉल में क्या लगा दिया, एक कील लगा दी और उस कील में उसे बांध दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू द रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स चूजन बाई ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। कुछ घंटे बाद जब मैं और मेरे दादाजी वहाँ से मतलब टोटो को रिलीज़ करने आए कि भाई हम इतनी देर से बांधा हुआ है, चलो अब उसे तोड़ दें, तो हमने क्या देखा, जो दीवार के ऊपर आप लोग जानते होंगे जो वॉलपेपर लगा दिया जाता है, वो जो वॉलपेपर लगा हुआ था वो पूरा उसने खुरच दिया, मतलब सारा वो निकाल दिया, सारा खराब कर दिया। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंज फ्रॉम इट्स सॉकेट, और वो जो पैग लगाया गया था यानी वो जो कील जैसी कुछ एक हुक जो लगाया गया था वो जिससे उसे बांधा गया था वो उसने सॉकेट से उखाड़ दी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और मेरा स्कूल का जो ब्लेजर जो कोट था जो वहाँ पर लटका हुआ था वो उसने तार तार कर दिया था, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, अब मुझे लग रहा था अरे अब तो ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, बहुत गुस्सा करेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, लेकिन जो ग्रैंड फादर थे वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, चिंता नहीं किए। ही सीम प्लीज विथ टोटोज परफॉर्मेंस, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टोटो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर ने कहा यार ये तो बड़ा चालाक बंदर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अ रोप एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो। दादाजी कहते हैं कि अगर इसे थोड़ा टाइम और मिल जाता इस बंदर को यानी कि टोटो को, तो इसने ये जो तुम्हारा ब्लेजर जो फाड़ा है, तार तार जो कर दिया है, ये इसकी रस्सी बना लेता और यहाँ से उस रस्सी के सहारे विंडो से निकल जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर्स वेयर नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टूगेदर, अ टॉर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रेबिट्स, अ टेम स्क्वेरल एंड फॉर ए वॉयल माई पेट। अभी तक जो टोटो की प्रेजेंस थी वो अभी तक सीक्रेट बनाई हुई थी, यानी कि हमने दादी को अभी तक नहीं बताया था इसके बारे में, और टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया था एक बड़े से पिंजरे में जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर में, जहाँ पे दादाजी के ऑलरेडी दूसरे पेट भी रहते थे, और वो जो दूसरे जानवर जो रहते थे उनमें क्या क्या था, एक कछुआ था और दो खरगोश थे, एक गिलहरी थी, और उसमें पहले एक टाइम के लिए मेरी एक बकरी भी रखी गई थी थोड़ी टाइम के लिए। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। लेकिन जो बंदर था बड़ा शरारती था, रात को किसी को भी सोने नहीं देता था, सबको परेशान करता था, इसलिए ग्रैंड फादर को जिन्हें अगले दिन देहरादून जाना था अपनी पेंशन, पेंशन होता है वो पैसा जब कोई सरकारी अफसर जब रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर्ड होने के पास सरकार उसे हर महीने कुछ पैसे देती है जिसे पेंशन कहते हैं, तो उन्हें पेंशन लेने अपनी जाना था सहारनपुर। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर मैं इस टोटो को यानी कि इस मंकी को यहाँ छोड़ के जाता हूँ तो ये पीछे सबको परेशान करेगा, तो वो उसे वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उस ट्रिप पे दादाजी के साथ नहीं जा पाता। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में बाद में मुझे बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, अब टोटो को किस में रखा गया, एक बड़े से कैनवास के बैग में। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अब ये उसका नया घर बन गया था उस जर्नी के लिए जहाँ पे दादाजी जा रहे थे, और उसमें नीचे क्या रखा गया, कुछ भूसा वगैरह, स्ट्रॉ वगैरह, सूखी हुई घास रखी गई। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देर वॉज नो एस्केप, जब बैग को बंद किया गया तो उसमें निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं टोटो के लिए। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, अब टोटो अपने ना तो हाथों को बाहर निकाल सकता था और वो जो बैग था वो इतना मजबूत था कि वो उसे अपने दांतों से काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट Only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. लेकिन उसके जो भी efforts थे, जो भी भाई, अब जैसे बंदर अगर एक बैग के अंदर बंद है तो ऑब्वियसली वो कोशिश करेगा बाहर निकलने की, अब जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है खटपट होगी, और उस खटपट की वजह से क्या होता था, जो इफेक्ट था वो बार बार ओकेशनली जो जो बैग था वो बार बार जंप करता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब
इकट्ठा हो गए उसे देखने के लिए भाई कि ऐसा क्या है इस बैग में कि ये बैग उछल रहा है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। अब क्या हुआ, जैसे ही टोटो टोटो रिमेंड ने बैग, जब तक सहारनपुर नहीं आया तब तक तो वो बैग में रहा, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर अपनी टिकट निकालने वाले थे कहाँ पे, रेलवे टर्न स्टाइल पर। अब जो ये जो टर्न स्टाइल होती है ये एक मशीन होती है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप मेट्रो में ट्रेवल किया है तो आप अपने उसको क्या नाम है, वो जो टिकट होती है वो जो एक गोल गोल सा सिक्का मिलता है उसे आप लगाते हैं तो वो जो दो ओपनिंग होती है वो खुल जाती है, ऐसे ही वो टर्न स्टाइल पर वो अपनी टिकट लगा दिखा रहे थे। तभी टोटो ने अपना पता नहीं कैसे सिर बाहर निकाला एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और जो टिकट कलेक्टर यानी जो टीटी था उसकी तरफ बड़ा मुस्कराया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनोयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब भाई जाहिर सी बात है कोई टिकट कलेक्टर टीटी जो सुबह से शाम तक टिकट चेक करता, अचानक से वो देखे किसी आदमी को कि टिकट चेक करते हुए देखे कि अचानक से उसके बैग में से बंदर निकल आए तो जाहिर सी बात है धक्का से लगेगा, वही उसे लगा, मतलब एकदम वो शॉक रह गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मतलब ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड से कहा और दादाजी को चिढ़ाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तुम्हारे पास एक डॉग है और तुम्हारे पास क्योंकि तुम डॉग को लेकर यात्रा कर रहे हो तो तुम्हें इसका भी पैसा देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज अ क्वाड्रुपेड। सारी बातें अब जो थी ग्रैंडफादर की उन्होंने खूब कोशिश की कि अरे नहीं भाई ये कुत्ता नहीं है ये तो बंदर है, तो बंदर का पैसे कैसे लगेगा, ये लगेगा, सारी बातें मतलब बेकार में गई, वो नहीं राजी हुआ, वो नहीं तैयार हुआ। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाई द टिकट कलेक्टर, उसने कहा नहीं नहीं ये तो जो टोटो है जो बंदर था उसने कहा नहीं ये तो एक डॉग है आपके बैग में, एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और उसके किराए के रूप में टिकट कलेक्टर ने कितने रुपए और ले लिए, 3 rupees ले लिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पैट टॉर्टोइज एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तभी ग्रैंडफादर ने अपना बदला लेने के लिए उस टिकट कलेक्टर से अपनी जेब में हाथ डाला और वो क्या निकाला, एक कछुआ निकाला। अब देखो समझने वाली बात यह है कि वो कछुआ भी लेके साथ में चल रहे थे क्योंकि उन्हें जानवरों का बड़ा शौक था, तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है आपने मेरे पे इस पर इसका तो बिल लगा दिया मतलब 3 rupees, अब बताओ इसका क्या देना है भाई साहब। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज प्रोडिड इट विद हिज फोर फिंगर्स गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्राइम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज नॉट अ डॉग। टिकट कलेक्टर फिर से बड़ा बड़ा हक्का बक्का सा रह गया, उसने देखा टॉर्टोइज को और पुश किया अपनी फोर फिंगर से और उन्हें देख के कहा मतलब एक अजीब सी और खुश होते हुए नहीं नहीं सर इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है, मतलब उसने भी एक ताना मारा किस पे, दादाजी पे। यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में टिकट कलेक्टर और दादाजी के बीच कुछ बातें हो रही हैं और दादाजी के हाथ में जो बैग लगा हुआ है देखो उसमें टोटो दिखाई दे रहा है हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। जब फाइनली भाई जाहिर सी बात है कोई बात कब तक छुपती, अब दादी को पता चली गया, अब जब मतलब कैसे ना कैसे उसका दादी भी मान गई चलो रख लो, तो अब नाना को किसके साथ रखा गया, सॉरी टोटो जो मंकी है उसे नाना के साथ रखा गया, और नाना कौन था, उनके घर में एक जो गधा रहता था उसके स्टेबल में, स्टेबल होता है जिसमें घोड़ों को जानवरों को गाय भैंसों को बांधा जाता है। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल। जब टोटो की पहली रात थी उस अस्तबल में तब ग्रैंड फादर वहाँ गए ये देखने के लिए कि भाई टोटो ठीक है क्या। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचे वो क्या देखते हैं कि जो नाना है जो डोंकी है वो अपनी रस्सी को खींच रही है और जितनी दूर होने की कोशिश कर रही है जो है जो भूसा जो पड़ा है वहाँ पे जितना दूर वो जा सकती है उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है। ग्रैंड फादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जग जग बैक।
ड्रैगिंग टोटो विद हर। ग्रैंडफादर ने धीरे से नाना के पीछे की तरफ एक मतलब हल्का सा स्लैप मारा एंड शी जग्ड बैक, और वो भी मतलब पीछे की तरफ जर्क हो गई, मतलब पीछे की तरफ जाने लगी, ड्रैगिंग टोटो विद हर। और जैसी वो पीछे की तरफ गई तो टोटो भी उसके साथ खिंचने लगा। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। हुआ ये था कि जो नाना थी वो बेचारी जो डोंकी थी वो तो सही थी, लेकिन नाना जो टोटो था वो उसे परेशान कर रहा था और उसने उसे काट लिया था उसके कान पे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। जो टोटो है जो मंकी है और नाना है वो डोंकी है, वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। सर्दियों में उसके लिए बड़ी एक अच्छी बात क्या होती थी कि सुबह सुबह उसे दादी क्या देती थी, गर्म पानी का एक बोल देती थी नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग अंटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक। अब वो क्या करता था, बड़ी ही चालाकी से, जैसे होता है ना जब हम गर्म पानी में से नहाते हैं सर्दियों में, तो चेक करते हैं कि पानी कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, तो वो भी चेक करता था। कैसे चेक करता था, पहले अपना उसमें एक हाथ डालता था, फिर उसमें धीरे धीरे करके घुसता था, फिर उसमें एक पैर डालता था और फिर दूसरा पैर डालता था। ऐसा करते हुए उसने मुझे देखा था, यानी नरेटर को देखा था ऐसा करते हुए, तो वो भी ऐसे, और तब तक, और फिर बाद में वो पूरा अपनी बॉडी को उसमें डाल देता था। वंस कम्फर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। और एक बार जब वो पूरी तरह से कम्फर्टेबल हो जाता था तो वो साबुन उठाता था अपने हाथ से, अपने पैरों से, और अपने आप को साबुन पूरे बॉडी पर रगड़ता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था तो वो उसमें से निकल के जल्दी से किचन की तरफ भागता था, क्योंकि किचन में जो जैसे गैस वगैरह जो जलती रहती थी उसकी जो फायर आग होती थी अपने आप को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाव्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। अगर कोई ऐसा करते हुए जब उसे देखता था टोटो को, अगर कोई हंसता था तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाती थी, मतलब उसे बहुत बुरा लगता था और वो नहाने से ही मना कर देता था, मतलब नहाता नहीं था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब यहाँ पर जो राइटर है वो हमें बता रहा है कि एक बार एक ऐसी बात हुई कि टोटो मतलब वो गर्म पानी में नहाने वाला था लेकिन वो उस दिन जल जाता। कैसे जल जाता, अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब क्या हुआ, किचन के अंदर एक केटल के ऊपर केटल में कुछ पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए जो कि बॉयल हो रहा था। अब अचानक से वहाँ पर टोटो आता है, देखता है कुछ खाम है ही नहीं करने के लिए, तो उसने सोचा कि लिड जो ढक्कन लगा हुआ था वो हटाने की कोशिश करता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और जैसे उसे लगता है चलो भाई पानी तो ठीक है इसमें नहा लिया जाए, अब उसे ये नहीं पता था कि नीचे से आग भी जल रही है, वो उसके अंदर घुस जाता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो ठीक लगा, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। लेकिन जैसे ही पानी बॉयल ना होने, मतलब भाई जाहिर सी बात है क्योंकि नीचे से तो आग जल रही है और जब आग जल रही है तो पानी और गर्म होता रहेगा। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट अगेन डाउन। अब जैसे ही उसे नीचे से गर्म लगा तो उसने थोड़ा अपने आप को बाहर निकाला, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही बाहर आता था बाहर ठंड थी, फिर से वो अंदर घुस गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। और वो ऐसा कुछ देर तक करता रहा जब तक कि वहाँ पर ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उन्होंने देखा, और तब उन्होंने उसे हाफ बॉइल्ड, मतलब काफ़ी हद तक वो मतलब जला तो नहीं था लेकिन हाफ, लगभग वो हाफ बॉयल सा हो चुका था, और उसे केटल से बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर अगर दिमाग के अंदर कोई ऐसा हिस्सा था जो हिस्सा जैसे शरारतों के लिए बना हुआ था, तो ऐसा हिस्सा टोटो के अंदर कुछ ज़्यादा ही था। ही वॉज ऑलवेज टियरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ देता था, काट देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर
अ होल इन इट। और जब भी अगर मेरी कोई आंटी उसके करीब आती थी तो उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि उनकी साड़ी में या उनकी ड्रेस में कहीं ना कहीं से उसे फाड़ दे या उसमें कोई छेद वगैरह कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच के टाइम पे जो डाइनिंग टेबल थी उसके बीचों बीच में एक पुलाव की वो रखा हुआ था, पुलाव रखा हुआ था, पुलाव आप समझते हो जो राइस का बना होता। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ। जैसे ही हम घुसे तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर टोटो पहले से ही बैठा हुआ है और अपने लिए राइस सर्व कर रहा है। वाह बेटा। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी ग्रैंड मदर चिल्लाई एंड टोटो थ्रू अ प्लेट हर हर। लेकिन टोटो ने उनकी तरफ यानी मेरी ग्रैंड मदर की तरफ एक प्लेट फेंक के मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन फेस। जैसी मेरी आंटी वहाँ पे आई मतलब बीच बेचारा करने के लिए, लेकिन उसने पानी पानी फेंका किसकी तरफ, मेरी आंटी की तरफ। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो। जब वहाँ पे ग्रैंडफादर पहुँचे तो टोटो ने वो डिश उठा ली पुलाव वाली और विंडो से यानी खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। और हमने देखा कि वो जो कटहल का जो पेड़ होता है वो उस पर चढ़ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। और डिश जो थी जो जिसमें पुलाव था वो अभी भी उसकी आर्म्स में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमिंड ऑन हिज फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और पूरी दोपहर तक वो उसी पर चढ़ा रहा और जैसा कि उसने ठान लिया हो कि पूरा का पूरा चावल पूरे के पूरे जो जो पुलाव था वो खा कर रहेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर। और फिर ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड हेड, क्योंकि वो उसके ऊपर चिल्लाई थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने वो जो डिश थी वो जो प्लेट थी वो ऊपर से फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट विद व्हेन इट ब्रोक 100 पीसेस। और बड़ा खुश हुआ मतलब आवाज़ करीब, चैटर्ड का मतलब है जो बंदरों वाली आवाज़ होती है, क्योंकि वो जो डिश थी जब उसने भाई जो प्लेट थी ऊपर से फेंकी तो वो काफ़ी सारे 100 200 पीसों में टूट गई, काफ़ी सारे टुकड़े टुकड़े हो गए। ओबियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। क्योंकि जो टोटो की शरारतें बढ़ रही थी तो वो उस तरह का पालतू नहीं था जिसे हम घर पर रख पाते ज़्यादा समय के लिए। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट। अब तो ग्रैंड फादर भी ये वाली बात मान चुके थे। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लॉथ्स कर्टेंस एंड वॉल पेपर्स। हम इतने भी अमीर नहीं थे कि हम जो बार बार जो भाई इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था, कभी प्लेट तोड़ रहा था, कभी कपड़े फाड़ रहा था, कभी पर्दे फाड़ रहा था, कभी वॉल पेपर ख़राब कर रहा था, तो हम इतना नुकसान नहीं सह सकते थे। सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो इसलिए ग्रैंड फादर ने एक दिन डिसाइड कर लिया और वही टोंगा ड्राइवर जिससे 5 रुपये में टोटो को ख़रीदा था उसी को वापस बेच दिया केवल 3 रुपये में। सो आई होप चिल्ड्रन ये जो आपका जो लेसन है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे इंग्लिश बाबा चैनल में जो हमने बनाया, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।